चुनाव में पहली बार न्यू 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। और इस समय हम पहुंच चुके हैं संबलपुर झालसगुड़ा से, और गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की सभा में यहां से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तेलुगु स्टेट से और ओडिशा से भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा। आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उड़ीसा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल से लेकर? एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज इस समय मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर, और मैं मौजूद हूं ओडिशा में, और ओडिशा से हम जाएंगे पश्चिम बंगाल की तरफ। यानी कुल मिलाकर आज का पूरा दिन ग्राउंड जीरो पर मैं रहूंगा, लेकिन आज मेरे साथ कौन रहेगा ग्राउंड जीरो पर? इस चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है, उनकी चुनावी रणनीति क्या है और क्यों उन्हें लगता है कि बीजेपी का नंबर इस बार 300 के पार यानी 350 के इर्द गिर्द हो सकता है, या फिर 5 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने अपने एस्टिमेट को कुछ कम या फिर बढ़ाया है। तो आज पूरा दिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम बिताएंगे ओडिशा से लेकर बंगाल तक, और फिर उनके साथ विस्तार से बातचीत भी करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम, आज का ये एडिशन वोट पथ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज 18 पर। जैसा आप जानते हैं कि आज का हम पूरा दिन यानी 14 घंटे बिता रहे हैं पहली बार मंत्री अमित शाह के साथ वोट पथ पर। अमित शाह किस तरह से अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं ओडिशा के झालसगुड़ा में, और झालसगुड़ा से हम जाएंगे संबलपुर जो कि धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम वोट पथ में, और अब हम झालसगुड़ा से चलेंगे संबलपुर की तरफ। और इस समय हम पहुंच चुके हैं संबलपुर झालसगुड़ा से, और गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की सभा में यहां से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे। देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य। जैसे आप जानते हैं आज हम 14 घंटे बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, हम पहुंच गए संबलपुर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत प्रभु जगन्नाथ को प्रणाम करके और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे के साथ की है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कह रहे हैं कि 5 चरण में नरेंद्र मोदी 310 पार कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? Thank you.
और जैसा आप जानते हैं आज हम 14 घंटे बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हम पहुंच चुके हैं संभलपुर के समलेश्वरी मंदिर और यहां गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वो रवाना होंगे यहां से अपनी दूसरी पब्लिक मीटिंग के लिए। चुके हैं क्योजर में पर अमित शाह एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हम 14 घंटे यानी पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम किया। अब छठे और सातवें चरण में 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। इस समय हम क्योजर की जनसभा में हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं और अस्मिता की बात वो करते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह इस अपने संबोधन में ऊपर पहुंचे यानी राज्य में बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं डबल इंजन की सरकार ओडिशा को आगे लेके जाएगी। आदिवासी तो आज हमने दौरा किया क्योंजर का गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह ने यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित किया और अब चलते हैं उनके अगले पड़ाव। हम पहुंच चुके हैं ढेकनाल डिस्ट्रिक्ट में और इसके कमाख्या नगर टाउन में हम मौजूद हैं। चिलचिलाती धूप में दोपहर 3:30 बजे आप हुजूम देखे पब्लिक का। ये गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है, लोग छतों पे भी हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 3 से 4 पंडाल जो है वो भरे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद है लोगों की, इतनी बड़ी तादाद है आप देख सकते हैं और एक अलग जोश है। ओडिशा ग्राउंड जीरो पर ऐसा लग रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने एक लेग वर्क कराया, ग्राउंड वर्क कराया। और अमित शाह जब राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के तो उन्होंने यहाँ के रिमोट डिस्ट्रिक्ट तक में वो रुके, वहां का दौरा किया, संगठन की बैठकें करी। उसका एक असर है कि आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर है ओडिशा के अंदर और नवीन पटनायक को खतरे की घंटी सुनाई दे रही। जैसा आप जानते हैं कि आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। प्रचंड गर्मी है और आप 150 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं, माहौल क्या दिख रहा है देश का? देखिए, पूरे देश का माहौल, मैं 5 चरण में और उसके 2 महीने पहले लगातार घूम रहा हूँ। पूरे देश ने एक मन बना लिया है जी। कि इस देश का सुकान, इस देश का पूरा सरकार चलाने का जिम्मा से एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना है, फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन क्या इस बारी भारतीय जनता पार्टी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? आपकी रैलियां भी ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी ज्यादा हैं, आपके रोड शो भी ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री के भी ज्यादा हैं, इसके पीछे कारण? ज्यादा नहीं है, हर बार जितने ही है और आपको जो दिख रहा है उसका एक अलग कारण है। हम इस बार बंगाल, ओडिशा,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की दृष्टि से थोड़े अनछुए क्षेत्र थे, वहां पर इस बार हमें सफलता मिल रही। तो स्वाभाविक रूप से जब क्षेत्र बड़ा होता है तो रीच भी बढ़ानी पड़ती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्षेत्र है जो मैं अध्यक्ष था, तब हम लोगों ने सब शुरुआत करा था संगठन बनाने का, मोदी जी की लोकप्रियता का प्रभाव ही है कि आज वहां पर कमल खिल रहा है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप यहाँ पर बाय रोड ट्रैवल करते थे इस इलाके के अंदर, और 10 साल में अब आप नवीन बाबू को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, मैंने 14 से 19 में उड़ीसा के 15 जिले बाय रोड और होटल में रहे बगैर कार्यकर्ताओं के साथ बिताए। मैं कई बार आया हूँ एक मजबूत नींव के आधार पर, और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता को एनकैप कर रहा है। इस प्रकार का संगठन बाद में नड्डा जी ने टेको किया जी। तो इस प्रकार का संगठन जो बना है वो मुझे तो बड़ा आनंद है कि आज मोदी जी पर जो उड़िया जनता का भरोसा है, तेलुगु जनता का जो भरोसा है, वो देखकर मन में बहुत बहुत आनंद होता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने तेलुगु जनता की बात करी, तेलुगु स्टेट्स और ओडिशा, क्या आपको लगता है इस बारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है? प्रधानमंत्री ने मेरे साक्षात्कार में भी बोला एक बड़ा सरप्राइज आएगा दक्षिण भारत से। क्या तेलुगु स्टेट से और ओडिशा से भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा अमित जी? कोई सरप्राइज नहीं है, अब सर्वविदित है, मतदान हो चुका है तेलुगु स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उड़ीसा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और 17 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। पहले कुछ चरणों में मतदान कम हुआ, 5 चरण अब लगभग समाप्त हो गए हैं, मतदान थोड़ा कम दिख रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। नुकसान वगैरह तो कोई नहीं पहुंचता है, शुरुआत में मैं भी चिंतित था जी, जब इसको दूर से देखते थे। जब मेरा चुनाव पैक हुआ जी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तब मालूम पड़ा कि कांग्रेस का वोटर निकल ही नहीं रहा है। लो मतदान का अगर कोई एक कारण है तो इंडी अलायंस के समर्थक में घोर निराशा है। वो मानकर चल रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हमें नहीं देना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ेगी और मार्जिन भी बड़े होंगे, आप देखना, हम 400 पार करने जा रहे हैं जी। चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी के अलायंस की बात थी, वो अलायंस नहीं हुआ, और बीजेडी ने केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कई मुद्दों पर साथ दिया, लेकिन अब तो आप नवीन बाबू को बाय बाय करने की, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा और बीजू जनता दल का कभी भी अलायंस नहीं रहा, अलायंस कुछ पत्रकारों ने बना दिया और कुछ नवीन बाबू के कैंप से अफवाहें फैलती थी। नवीन बाबू ने हमें हमेशा इश्यू बेस्ड समर्थन दिया है, और इश्यू बेस्ड समर्थन तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि अंततोगत्व पॉलिटिक्स में किसके सामने चुनाव लड़े हैं इसको ध्यान में रखकर अपना मत या अपना पक्ष तय नहीं करते। इश्यू देश के भले में है या भले में नहीं है इसके आधार पर करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ओडिशा विकास की रेस में काफी पिछड़ चुका है, यहां पर एक प्रकार की स्टैग्नेंसी आई हुई है, बाबूशाही चल रही है, अब राज कर रहे हैं, और ओडिया जनता ओडिया प्राइड के लिए एकजुट और लामबंद होकर खड़ी है जी। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आप हो, आप जगन्नाथ मंदिर की चाबियों की बात करते हैं, खासतौर पर जो भंडार है उसकी बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो विषय और की जनता में, और क्योंकि इस विषय का इम्पैक्ट जो है वो पूरी देश की जनता पर भी है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ उड़ीसा नहीं, उड़ीसा में तो इसका सबसे ज्यादा असर है ही है, दिखाई भी पड़ता है, मगर जगन्नाथ महाप्रभु का भक्त पूरे देश भर में दुनिया भर में फैला हुआ है, और सालों से, हजारों सालों से, न जाने कितने सालों से ये मंदिर सबके मन में श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसके रत्न भंडार की चाबियां गुम होना, डुप्लीकेट चाबियां बनना, और जांच आयोग बैठने के बाद जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना, ढेर सारे सवाल जनता के मन में खड़े हुए हैं। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बनने के एक ही महीने में हम ये
जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका वैल्यूएशन कराकर सार्वजनिक करेंगे। जी क्या आपको लगता है जो नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ के मुद्दे पर अब आपको घेर रहे हैं, आपके एक नेता के बयान पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप थोड़ा दब दबा कर पूछ रहे हैं। संदीप पात्रा जी का बयान ये जुबान फिसलने का क्लासिक केस है। इन्होंने 25 जगह बाइट दिया, सब जगह कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। एक जगह जुबान फिसल गई। फिर भी सुबह मेरी संदीप पात्रा से बात हुई, फोन पर वो रो रहे थे, पछतावा था। इन्होंने कहा कि साहब मैं 3 दिन तक उपवास करने वाला हूं और 3 दिन के बाद प्रभु जगन्नाथ का क्षमा मांगूंगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। कोई व्यक्ति मन से जब पछतावा करता है और माफी मांगता है तो मैं नहीं मानता जगन्नाथ के दरबार में उसको माफी नहीं मिलेगी जी। और इसका एक गलती का परिमार्जन केवल और केवल जगन्नाथ ही कर सकते हैं, नवीन बाबू की पार्टी नहीं कर सकती जी। राहुल गांधी ने खटाखट गरीबी हटाने की बात कही थी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है चुनावों के मौसम में? नहीं नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ खटाखट की व्याख्या मैं कर देता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 70 के दशक में जी, और हम है 2024 में, तो उनकी खटाखट की ये व्याख्या है। इंदिरा गांधी जी ने जो नारा दिया था वो अभी उनका पोता पूरा करने की बात कर रहे हैं। भाई आपके नारों पर कौन विश्वास करेगा, जबकि मोदी जी ने करोड़ों गरीबों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ शौचालय दिए, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, 60 करोड़ लोगों को आप 5 लाख का दवाइयों का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, 4 करोड़ घर ही दे दिया, 6.5 करोड़ घरों में बिजली दे दी। ये खटाखट होता है, इनकी खटाखट की व्याख्या 5 दशक लंबी है, हमारी खटाखट की व्याख्या 10 साल की है और अगले 5 साल में 100% सैचुरेशन आएगा जी। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके माइंड में कौन सा नंबर चल रहा है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा ये वोट पथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता भुवनेश्वर से, आज का हम पूरा दिन बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। 14 घंटे अमित शाह के साथ जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। वोट पथ में आज हमने लगभग 14 से 15 घंटे बिताए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उनके साथ हम करीब ओडिशा की 4 रैलियों में गए और फिर अब हम कोलकाता में हैं और रात लगभग 11 बज रहे हैं जब हम ये संवाद कर रहे हैं। तो अमित जी, ये चुनाव आखिरी दौर में अब लगभग पहुंच चुका है, 5 चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौथे चरण के बाद ही बीजेपी को 270 के पार चली गई है, तो ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? मैं मानता हूं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है, हम 400 पार करेंगे। हर जगह पे हर चरण के बाद और चुनाव की रैलियों के बाद मैं कार्यकर्ताओं के से फीडबैक लेता हूं, जो जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं हमारे, जो लोगों के संपर्क में होते हैं, हमारे विरोधी दलों की रणनीति को जो जमीनी स्तर पर जी इसका मुकाबला करते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी सर्वे से यह असेसमेंट करीब सत्य के नजदीक हो। 2004 में UPA 1 की कांग्रेस की सरकार आई तो 145 सीटें उनकी आई और 2009 में जब सरकार रिपीट हुई तो 206 सीटों के साथ हुई, तो तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। क्या आपको लगता है अमित भाई कि बीजेपी के लिए ये आसान क्यों है? देखिए, ऐसे कोई ट्रेंड्स के आधार पर चुनाव के नतीजों का आकलन नहीं होता है। ट्रेंड्स की बात करनी है तो इस देश में 30 साल से हंग पार्लियामेंट चलती थी, 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 19 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो ट्रेंड्स तो तोड़े हैं हमने, कई बार तोड़े हैं और इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में
पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और एनडीए 400 पार करेगा। अगर 200 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा पार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती तो प्लान बी क्या होगा बीजेपी का? कोई प्लान बी नहीं है, इसका क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जी, प्रियंका गांधी ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में था कि कांग्रेस की वजह से इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अगर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बना है तो वो कांग्रेस की देन है। अब मुझे नहीं मालूम है ये लोग क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की वजह से देश के लोकतंत्र पर भयंकर कुठाराघात कई बार हुए। प्रियंका जी की दादी ने इमरजेंसी डाली थी, 130,000 लोगों को बिना कारण जेल में डाल दिया था, सारे अखबारों के एडिटोरियल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तय करते थे, उनको शायद इतिहास मालूम नहीं है, ना किसी ने ब्रीफ किया है शायद उनको। कांग्रेस के वजह से लोकतंत्र नहीं है, इस देश की 130 करोड़ की जनता की वजह से इस देश में लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र की स्पिरिट सालों पुरानी है और अब ये पाताल से गहरी हो चुकी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अपने भाषणों में बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देगा, और हमने नहीं, पहले समझ लो भाई, हमने नहीं कहा है, इंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा है कि हमारे पास अभी नेता नहीं है, हम बारी बारी एक एक साल सत्ता संभालेंगे। वो कहते हैं हमारे पास युवा भी है, हमारे पास बुजुर्ग भी है, हमारे पास हर वर्ग का नेता है, तो हमें, हम नेता तय कर लेंगे, सरकार बन जाए एक बारी। नहीं, वो नहीं, वहां तक नहीं रुकते, 5 साल एक एक प्रधानमंत्री बनाएंगे, वहां तक जाते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है, क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहा करूंगा, मैं तो शपथ ग्रहण का न्योता देता हूं अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, अच्छी बात है, अब 1 तारीख को सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शरद राव पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनका आरोप है कि ये पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हम और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस घोषित करते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को आगे करते तो पार्टी टूटती क्या? इनकी पार्टियां अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंढ रहे हैं, तो उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक नीचे की तरफ एक सिंपथी का मैसेज देने में कामयाब रहे? देखिए, सिंपति उनके लिए रही है जिनके साथ अन्याय हो। उद्धव जी ने तो अपने सिद्धांत, अपना गठबंधन जी तोड़ हमें डीच करने का काम किया था। मैं नहीं समझता इनको किस प्रकार सिंपति की अपेक्षा है। आपके पास महाराष्ट्र के भी ट्रेंड आए होंगे, क्या कहना चाहते हैं आप महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में कमोबेश हम हमारी स्थिति को बनाकर रखेंगे, इसमें कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। आपकी टैली इंप्रूव हो सकती है महाराष्ट्र में? अभी बाकी है थोड़ा चुनाव, परंतु मैं मानता हूं कि हम हमारा बेस बनाकर रखेंगे। रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यूटर्न नेता है, किस कारण से आपने बोला? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे, और फिर पॉलिटिक्स में आके पार्टी बनाई, बेचारे डालेगांव सिद्धि चले गए। फिर कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो 2-3 बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी, आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यूटर्न लेने का काम श्री केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल अपनी
में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे। इंडिया अलायंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, जहां तक मेरी समझ है उनको 1 जून को ही जाना है, सरेंडर करना है, तो 4 जून को तो वो जेल में ही होंगे। लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। नहीं, मैंने तो जजमेंट के बारे में जी केजरीवाल जी के बारे में नहीं किया है। क्यों आपको लगता है कि जजमेंट खास है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंट्रिम बेल नहीं मिला है। मानो कोई चार्टर अकाउंटेंट होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किसान की बुआई का समय हुआ होगा, कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा, तो भी तो कामकाज है, उनको इस प्रकार के इंट्रिम बेल कभी नहीं मिले। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी यही बात बोली कि अगर इस तरह की बेल मिलेगी तो कल तो कोई और अगर कोई गिरफ्तार होगा तो वो बेल मांगेगा तो देनी पड़ जाएगी। फिर मुझे मालूम नहीं है, मगर कहा है तो सही ही कहा है। मेरा अगला आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में खासतौर पर, क्योंकि अब उसमें वोटिंग होनी है, वहां आपको दिक्कत? हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे। कहीं देखो अमित जी, जहां एक पार्टी का शेयर 50% से ज्यादा हो जाता है जी, तब सामने कितनी पार्टियां एकत्रित होता हो जाती इसका कोई महत्व नहीं रहता। दिल्ली के दोनों चुनाव में हम 50% से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किए जी। इस बार भी आपको लगता है कि 2019 रिपीट, 7 की 7 सीट जीतेंगे। अगला सवाल मेरा है राम मंदिर को लेकर, क्या आपको लगता है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, आपके कार्यकर्ता नेता राम मंदिर के नारे लगाते हैं, ऑपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये मुद्दा तब खड़ा होता है जब इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो ले लेते तो वहीं पर बात समाप्त होनी। उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो लोग क्यों नहीं गए। ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, इसलिए बार बार ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा बन जाता है जी। आप रैलियों में अक्सर बात करते हैं और कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है। ये हमारी बात नहीं है, उन्होंने ही कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पर्सनल लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पर्सनल लॉ कौन सा है भाई? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन कांग्रेस से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मिस रिप्रेजेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र। तो वो पर्सनल लॉज के क्या कहना चाहते हैं, उसकी स्पष्टता करें देश की जनता के सामने कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। उनको कर देनी चाहिए स्पष्टता। लेकिन फिर आप भी तो अपना वोट बैंक साध रहे हैं इससे। नहीं, वोट बैंक कहां से सदे? हमारा मुस्लिम वोट बैंक वो साधने का प्रयास करें हम। आप दूसरा सवाल है, ऐसा नहीं है भाई, उनके घोषणा पत्रों में चीज है इसको हम जनता के सामने रख रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी के गढ़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। कई ओपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बढ़ सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खाली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करें, शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुचिता का मुद्दा है। संघ किस तरह से चलना चाहिए? आपकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए महिलाओं का आप शोषण करने दोगे? हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाएंगे। अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममता बनर्जी का जो नारा है माँ माटी मानुष, उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है, क्यों? एक बंगाल के युवा ने मुझे भेजा था जी, मेरे पास व्हाट्सएप मैंने सेव करके रखा जी, तो ये तो जनता की फीलिंग है। क्या आपको लगता है कि सीए के नाम पर, क्योंकि आप देश की गृह मंत्री भी हैं, सीए के नाम पर इस देश के एक बड़े तबके को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? बंगाल में कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर जीत गया, यानी बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो सीए लागू होगा और चुन चुन के निकाला जाएगा। सीए वैसे
भी लागू होगा। और सीए किसी को निकालने का कानून है ही नहीं, सीए भारत सरकार का कानून है, देश की संसद ने पारित किया है और पूरे देश में वो अप्लाई हो रहा है। आज हम आपके साथ ओडिशा में थे, आपकी कई जनसभाएं हुई, भारी भरी धूप में भी काफी जनता जनार्दन थी वहां पर। एक मुद्दा जो कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उठा रही है वो है कि ओडिशा में ऑफिसर वर्सेस पॉलिटिशियन को मुद्दा बना रही है, क्या आपको ऑफिसर से समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है, उड़िया जनता के अंदर ये समस्या है जी कि उड़ीसा पर तमिलनाडु से आए हुए ऑफिसर कैसे शासन कर सकते हैं, एज अ अफसर नहीं, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मुख्यमंत्री। और वहां पर जनता में उड़िया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है, अब उड़ीसा की जनता ने तय करना है। हम तो जनता की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओडिशा में को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? विधानसभा इलेक्शन भी है, उधर लोकसभा इलेक्शन भी है, सीटों का नंबर? देखिए 17 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में आएगी और हम निश्चित रूप से वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी कश्मीर की बात करते देता हूं। कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस बार बंपर वोटिंग भी हुई है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या ये वर्ल्ड को द ग्लोब भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है भारत की तरफ से? निश्चित रूप से है। देखिए जो लोग आजादी की बात करते थे, जो लोग अलग संविधान की मांग करते थे जी, वो लोग आज भारतीय संविधान के तहत जो चुनाव हो रहा है उसका हिस्सा बने हैं और स्वागत योग्य है। और घाटी की जनता ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, पिछले कई सालों के 33 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग अब हुई है, तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है, कश्मीर के लिए भी अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी। जी आप एक मुद्दा उठाते हैं अपनी रैली में पीओके का, पीओके को आप कहते हैं ये भारत का हिस्सा है, क्या आप इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं 2024 के चुनाव का? बना दिया है आपने। अरे पॉलिटिकल इशू नहीं है, आप क्या मानते हो पीओके भारत का हिस्सा नहीं है? भारत का ही है, वही भारत की संसद का प्रस्ताव है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? कुछ पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारा देश का स्टैंड है। आप भी तो कह रहे हो पीओके भारत का हिस्सा है, क्योंकि तो वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन चुनावी रैली में इसका जिक्र करना तो इसमें क्या है? सत्य चुनावी रैली में नहीं बोला जाता क्या? असत्य ही बोला जाता है। कांग्रेस कहती है देखिए फिर पाकिस्तान की बात बीच में ले आते, पाकिस्तान की बात नहीं है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात है, कश्मीर की बात है। हरियाणा को लेकर आपकी रीडिंग क्या है, क्या आपको लगता है वहां पर कोई जाटों का बड़ा विषय है? हरियाणा में हमारी पोजीशन है वो संभाल कर रखेंगे, इसमें मैं कोई बड़ा डिटोरिएशन नहीं देख रहा। जी मेरे दो सवाल हैं। धारा 370 हटाना एक ऐतिहासिक फैसला था, बतौर गृह मंत्री जब आप अपनी पूरी कार्यकाल को देखते हैं बीते 5 साल के अंदर, आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए? नहीं अब हट ही गया, शांति भी है, 5 साल हो गए, अच्छा चल रहा है। जी इस चुनाव में आपको हमने कई चुनावों में देखा, लेकिन अमित शाह, लेकिन इस बार आपको आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो अमित काका के रूप में भी जानने लगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं रैलियों में भी देख रहा था आज, अच्छा लगता है युवा बच्चे इस तरह से पुकारते हैं। जी अमित शाह फाइनल नंबर आपका क्या है? हम 400 पार करेंगे। बीजेपी का नंबर क्या होगा? बीजेपी का नंबर अभी 7वें चरण के बाद ही असेसमेंट आ पाएगा, परंतु हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। अमित शाह जी आपने हमें अपना वक्त दिया, आज पूरा दिन हमने आपके साथ बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद जी। धन्यवाद।